दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबरें, दिन भर के मुख्य समाचार आप तक पहुंचाएंगे। ताजा लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए आप वीडियो में साथ में बने रहिए। वहीं दोस्तों, अगर आप लोग भी मानते हैं कि 24 के आम चुनाव में बीजेपी को इंडिया गठबंधन कड़ी टक्कर देगा, तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिए बी सपोर्ट इंडिया। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। टीएमसी के चैलेंज पर कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस ने किया इस्तीफे का ऐलान। राजनीति में कदम रखेंगे अभिजीत गंगोपाध्याय। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में मचे घमासान के बीच कलकत्ता हाई कोर्ट के जज गंगोपाध्याय ने इस्तीफे का ऐलान किया है। वह अपना इस्तीफा देकर यहाँ पे राजनीति में कदम रखेंगे। अपने इस्तीफे का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि अगर राजनीति में मौका मिलेगा तो वे राजनीतिक क्षेत्र में जा सकते हैं। गौरतलब है, गंगोपाध्याय आए दिन टीएमसी के मामलों को लेकर सुनवाई करते रहते हैं। चाहे मामला छोटा हो या बड़ा, वह सुनवाई के लिए तत्काल तैयार हो जाते हैं और टीएमसी पार्टी से यहाँ पे एक तरीके से कहें दोस्तों तो उन्होंने बैर बना लिया है। और वहीं बीजेपी यहाँ पे उन्हें टिकट दे सकती है, ये भी संभावित है। बीजेपी ने यहाँ पे गंगोपाध्याय के फैसले का स्वागत किया तो टीएमसी ने इसे राजनीतिक कार्यकर्ता बताया है। ये अपडेट निकल के आई है पश्चिम बंगाल से। लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए में घमासान मचा है। बीजेपी को उसके सहयोगी दल ही बड़े झटके दे रहे हैं। भाजपा के गठबंधन सहयोगी उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर ने बगावत कर दी। कहा कि वे सलेमपुर लोकसभा में भाजपा के उम्मीदवार का समर्थन नहीं करेंगे क्योंकि उनके खिलाफ भारी सत्ता विरोधी लहर है। तो वहीं दोस्तों, महाराष्ट्र से अपडेट है, शिंदे गुट भी एनडीए के सीट बंटवारे से नाखुश है महाराष्ट्र में। लेकिन गोदी मीडिया ने एनडीए की अंदरूनी कलह का आज तक कभी जिक्र नहीं किया। टीवी पे ये खबरें कभी नहीं चलाई जाती हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में बीजेपी को एक तरफ तगड़ा झटका लगा है। चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी से बगावत कर दी है। वे भी एनडीए में सीट बंटवारे से नाखुश हैं और उन्होंने बिहार में मोदी की रैलियों का भी बहिष्कार किया है। माना जा रहा है दोनों जल्द ही एनडीए छोड़ सकते हैं। तो वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ गुजरात बीजेपी में भी हड़कंप मचा है। बीजेपी खेमे में सब कुछ ठीक नहीं है, जैसा दिखाया जा रहा है वह बिल्कुल ही गलत और मिथ्या है। भगदड़ जारी है। गुजरात से अपडेट, पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने मेहसाणा लोकसभा सीट से दावेदारी वापस ली है। पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल यहां पे बागी तेवर अपनाते हुए दिख रहे हैं और उन्होंने इनकार कर दिया है बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने से। तमाम राज्यों में एनडीए के अंदर घमासान लगातार जारी है, लेकिन अभी तक इन खबरों को सोशल मीडिया या फिर अखबारों में सुर्खियां नहीं मिली है। तो दूसरी तरफ दोस्तों, पटना रैली में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने फूंका चुनावी बिगुल। एक सुर में बीजेपी हटाओ देश बचाओ का दिया है नारा। लोकसभा चुनाव में भाजपा को नेस्ता नाबूद कर देंगे, जन विश्वास यात्रा में जम के बरसे हैं लालू यादव। पटना के गांधी मैदान से मोदी सरकार पर राहुल यादव भी गरजे, बोले बदलाव का तूफान बिहार से शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि एक तरफ नफरत हिंसा अहंकार है तो दूसरी तरफ मोहब्बत भाईचारा और एक दूसरे की इज्जत है। उन्होंने कहा कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, हम सब मिलकर देश में नफरत को हराएंगे। इंडिया गठबंधन में शामिल दलों ने पटना के गांधी मैदान में जन विश्वास महारैली के जरिए लोकसभा चुनाव से पहले सख्ती प्रदर्शन किया। महारैली का आयोजन आरजेडी द्वारा किया गया था, जिसमें उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद और उनके बेटे तेजस्वी यादव सहित इंडिया ब्लॉक के शीर्ष नेता शामिल हुए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश, सीपीआई महासचिव डी राजा और सीताराम येचुरी ने महारैली में आकर लोगों को संबोधित किया। आरजेडी के मुताबिक महागठबंधन की जन विश्वास महारैली में 15 लाख की भीड़ जुटी थी। बिग ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों, जो जो नेता बीजेपी में शामिल होते हैं, कितना भी बड़ा भ्रष्टाचार हो, लेकिन सारे भ्रष्टाचार और उससे संबंधित केस बंद कर दिए जाते हैं। महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम अजीत पवार के खिलाफ केस में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल, पुलिस बोली तथ्यों में गलती थी। 2019 में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पे एनसीपी नेता अजीत पवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें आरोप था कि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाले के चलते वहां पे दोस्तों 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। लेकिन अब पुलिस ने कहा कि तथ्यों में गलती हुई थी, आंकड़े गलत थे
और केस बंद करने के लिए यहाँ पे रिपोर्ट भी कोर्ट में दायर कर दी है। वहीं दोस्तों आप सभी को एक अपडेट बताते चलें, इंडिया गठबंधन की जो महारैली हुई पटना में, उसमें खड़गे ने तेजस्वी यादव को स्पष्ट कहा और अनुरोध किया कि अगर आप आपके चाचा यानी कि नीतीश कुमार यहाँ इंडिया गठबंधन में आना भी चाहें तो उन्हें यहाँ नहीं आने दिया जाए। देख सकते हैं नीतीश कुमार के लिए कहें तो हमेशा के लिए इंडिया गठबंधन के दरवाजे बंद हो गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को यूपी में झेलना पड़ा है काफी विरोध। जी हाँ दोस्तों, लखनऊ में यादव महासम्मेलन में आए एमपी सीएम मोहन यादव के सामने यादव समाज के लोगों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए। मोहन यादव से पूछा, बीजेपी वाले यूपी में यादवों पर इतना अत्याचार क्यों कर रहे हैं, जिसका तो जवाब यहाँ पे एमपी के सीएम को देते नहीं बना और वह चुपचाप यहाँ पे लोगों को संबोधित कर निकल गए। लेकिन काफी विरोध का सामना करना पड़ा है यादव समाज के लोगों ने, बीजेपी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए उनके सामने ही। अखिलेश यादव का आया है बड़ा बयान, घेरा है बीजेपी को। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, जब जोशीले नौजवान मिल जाते हैं तो बड़े बड़े तख्त हिल जाते हैं। उनके कहने का स्पष्ट मतलब है कि आए दिन उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो रहे हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है और यहाँ पे बेरोजगारी दिन पर दिन यूपी में बढ़ती जा रही है। बीजेपी ने अपने किए हुए एक भी वादे को पूरा नहीं किया। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर हो, आरओ आरओ का हो या फिर 12वीं बोर्ड का परीक्षा पेपर हो, वह भी लीक हो जाता है। सरकार के नियंत्रण में कुछ नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि ये बच्चों के और नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है योगी सरकार। इनका एक ही मकसद है, पेपर लीक हो और नौकरी ना देना पड़े। ये अखिलेश यादव का बयान आया है। तो दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे भी कहां पीछे रहने वाले। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले कि आज पीएम मोदी ने देश को बर्बाद कर दिया है पूरी तरीके से और बचा कुछ अभी बर्बाद करने में लगे हुए हैं। अब पीएम मोदी बीजेपी की गारंटी नहीं बोलते, अपनी सरकार की गारंटी नहीं बोलते, अब वो बोलते हैं मोदी की गारंटी। वहीं पटना रैली में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने चुनावी बिगुल फूंका, एक सुर में बीजेपी हटाओ देश बचाओ का नारा दिया है। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की जो यहाँ पे ऐतिहासिक गांधी मैदान में महारैली आयोजित की गई, अब रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अलावा यहाँ पे लालू यादव ने तो प्रधानमंत्री मोदी पर इतने तीखे हमले बोले कि बीजेपी वाले भी परेशान हो गए। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने रैली को संबोधित करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हाल ही में पाला बदलने के लिए आलोचना की। रैली के दौरान नीतीश कुमार पर सबसे तीखा हमला किया और कहा कि यहाँ पे दोस्तों लालू यादव ने इंडिया गठबंधन में उनके दरवाजे बंद हैं। उन्होंने भीड़ से आगामी चुनावों के लिए तैयार रहने को कहा। उन्होंने कहा कि मैं आपके मनोबल बढ़ाने के लिए वहां मौजूद रहूंगा, आप प्रधानमंत्री मोदी को केंद्र की सत्ता से बाहर करने के लिए वोट करें। दोस्तों राहुल गांधी की न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में है और अब से कुछ देर में शिवपुरी में राहुल गांधी का रोड शो होने वाला है, जनता को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी का रोड शो करीब 40 मिनट का होगा। इस दौरान सुरक्षा कारणों से कोई भी उन्हें फूल माला नहीं पहनाएगा। ये आज दिन भर की सभी बड़ी खबरें मुख्य समाचार थे जो सामने निकल के आए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।